आज हम बात करेंगे ब्लैकबेरी के राइज और फॉल की और कैसे ब्लैकबेरी कुछ ही सालों में दुनिया के मोबाइल मार्केट का 20% शेयर होल्डर से 0% शेयर होल्डर बन गया। ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा 1980s में। ब्लैकबेरी का ओरिजिन कनाडा में रिसर्च एंड मोशन नाम की कंपनी से हुआ था। 1984 में दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मिलके लजारेडिस और डगलस फ्रिगिन ने रिसर्च और मोशन की शुरुआत की थी। शुरुआत में कंपनी वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम करती थी। 1996 में रिसर्च और मोशन ने अपना पहला टू वे मैसेजिंग पेजर इंट्रोड्यूस किया और 1997 तक कंपनी टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली ट्रेड करने लगी। ब्लैकबेरी का पहला प्रोडक्ट एक पेजर था जिसपे पूरा क्वर्टी कीबोर्ड था। ब्लैकबेरी के नाम से ही उसका शेप और कीबोर्ड दिमाग में आता है। ये डिवाइस बिजनेस में बहुत ज्यादा हेल्प करने लगा क्योंकि उसको यूज करना काफी इजी था और यहीं से ब्लैकबेरी ने अपनी मार्केट पकड़ना शुरू कर दिया। अगले मॉडल में इंटरनेट और टेलीफोन की कैपेबिलिटीज भी डाल दी गई। इस रेस में एरिक्सन और आईबीएम भी भाग रहे थे। एप्पल ने भी एप्पल न्यूटन और स्टाइलस की हेल्प लेके रेस में आने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो बहुत बुरी तरह फेल हो गए क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर ब्लैकबेरी की बराबरी का नहीं था। ब्लैकबेरी इस मार्केट को बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। 1990s की बड़ी बड़ी कंपनीज ये रियलाइज नहीं कर पाई थी कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड होती है। माइक जो कि रिसर्च एंड मोशन के फाउंडर थे, उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली थी। ब्लैकबेरी ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसने डेटा कम्युनिकेशन के बिट्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिससे नेटवर्क ओवरलोडिंग कम हो गई। जहां एक तरह बाकी कंपनीज इसके बहुत सारे पैसे ले रही थी और उनका डिवाइस मुश्किल से ही चल पाता था, वहीं दूसरी तरफ ब्लैकबेरी के डिवाइस बहुत अच्छे से चल रहे थे। और इसके साथ एक कीबोर्ड के कंबाइंड होने की वजह से ब्लैकबेरी को पूरा एडवांटेज मिलता था। ब्लैकबेरी की सक्सेस का दूसरा राज था उनकी गोरेला मार्केटिंग। जो भी बिजनेस एम्प्लॉइज खराब और पुराने लैपटॉप यूज करते थे, उसको ब्लैकबेरी ने अपनी तरफ से एक ब्लैकबेरी फोन फ्री में एक महीने तक यूज करने के लिए दिया और धीरे धीरे वो लोग डिवाइस से इम्प्रेस होकर ब्लैकबेरी खरीदने लगे। देखते ही देखते ब्लैकबेरी उसकी एक नेसेसिटी बन गया। ब्लैकबेरी डिवाइस दूसरे फोन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। ब्लैकबेरी के फोन्स में ब्लैकबेरी मैसेंजर नाम की एक नई सर्विस थी। उस समय हर मैसेज ट्रांसफर करने का एक चार्ज लगता था, लेकिन ब्लैकबेरी मैसेंजर ने इंटरनेट की हेल्प से चीप और क्विक मैसेजेस ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल आज की डेट में जैसे आईफोन्स में आई मैसेज होता है, इस इन्वेंशन ने ब्लैकबेरी को बहुत पॉपुलर कर दिया और देखते देखते ब्लैकबेरी हर जगह स्प्रेड हो गया। जब ब्लैकबेरी अपनी पीक पर था, तब उसके पास ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट का 20% था और यूएसए की स्मार्टफोन मार्केट का 50% शेयर था। सोचने वाली बात यह है कि जब कंपनी की मार्केट पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी, तो सब इतना खराब कैसे हो गया। साल 2007 में जब जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और विंडोज विस्टा भी अभी नई नई आई थी, स्टीव जॉब्स अपने मैक वर्ल्ड के स्टेज पर गए और अपने नए प्रोडक्ट के बारे में सबको बताने लगे। वो एक स्मार्टफोन था जिसमें मिनी कंप्यूटर, वेब ब्राउजर और ईमेल टेक्नोलॉजी थी। वहीं दूसरी तरफ कनाडा में बैठे ब्लैकबेरी के फाउंडर माइक ने कहा कि ये एक इम्पॉसिबिलिटी है और नेटवर्क्स इन सबको एक साथ कैरी नहीं कर पाएंगे। अब बात यह है कि माइक अपनी जगह सही थे। आईफोन सही से नहीं चल पाया मार्केट में और एप्पल पर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। आईफोन के शुरुआती सेटबैक्स के बाद आईफोन सही से चलने लगा और माइक गलत साबित हो गए। एप्पल धीरे धीरे मार्केट में आने लगा और जब तक ब्लैकबेरी को रियलाइज हुआ कि ये मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, तब तक काफी देर हो गई थी। उधर एसटीसी ने भी अपना मार्केट में पैर जमा लिया था। उस समय ब्लैकबेरी के कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन ब्लैकबेरी से अच्छी मार्केट किसी की नहीं थी। ये सब रातों रात बदल गया क्योंकि आईफोन में ब्लैकबेरी से बहुत ज्यादा खासियत थी, जैसे कि स्क्रीन साइज बड़ा होना, टच स्क्रीन होना, मल्टीमीडिया प्लेबैक, कैमरा और सबसे इम्पोर्टेंट था ब्राउजर। ब्लैकबेरी की स्क्रीन काफी छोटी थी जिसकी वजह से इमेजेस अच्छे से रेंडर नहीं हो पाते थे, लेकिन ब्लैकबेरी ने अपनी फाइट बैक करने की कोशिश जारी रखी। लोगों का ये सोचना था कि ब्लैकबेरी इस समय तक बर्बाद हो चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैकबेरी उस समय तक काफी अच्छा कर रहे थे। उन्होंने इंडिया, इंडोनेशिया और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर दिया था। जैसे ही आईफोन ने अपना नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, वैसे ही ब्लैकबेरी ने अपना रिएक्शन दिया और अगले फोन की स्क्रीन काफी बड़ी कर दी, लेकिन अपने क्वर्टी कीपैड पर वो अभी तक टिके हुए थे। इस बार उस कीबोर्ड को स्लाइड डाउन फॉर्म में फिट कर दिया। ब्लैकबेरी के लिए इशू ये था कि वो फोन के फिजिकल फीचर्स चेंज करके एक डायनेमिक मार्केट में कम्पीट करना चाहते थे। ब्लैकबेरी ने इसको जल्दी रियलाइज कर लिया और अपने जावा बेस्ड ओएस को चेंज करके एक ऐसा ओएस बनाया जो कि QNX नाम की लैंग्वेज में था। लेकिन ये सब ब्लैकबेरी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो गया क्योंकि उनके पास थर्ड पार्टी एप्स बहुत कम थे। वो उतने ही थे जितने उनके डेवलपर्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अगले एक साल में वो मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ब्रांड की लिस्ट में से पहले से तीसरे नंबर पर फिसल गए।
ब्लैकबेरी को बचाने के लिए उन्होंने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर चेंज कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने अपने कंपेटिटर्स को हैरान कर दिया क्योंकि उन्होंने इस बार एंड्रॉइड ओएस यूज करने का फैसला किया। लेकिन इस मूव से उनमें और दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में कोई खास फर्क नहीं रह गया, तो नेचुरली वो बस एक सॉफ्टवेयर कंपनी बन के रह गए। आज की डेट में कंपनी का मेन फोकस बस सॉफ्टवेयर्स और एंटरप्राइजेस में ही है। हालांकि वो भी सेल फोन्स बनाते हैं, लेकिन वो दुनिया के मार्केट का 0.05% के शेयर्स ही रखते हैं। इससे काफी क्लियर होता है कि एंड्रॉइड और आईफोन की वजह से ब्लैकबेरी का डाउनफॉल हुआ। उनके डाउनफॉल में थोड़ा हाथ उनके खराब लीडरशिप का भी था। कंपनी ये रियलाइज नहीं कर पाई कि कंज्यूमर्स ही मार्केट को चला रहे होंगे और उन्होंने मोबाइल को एंटरटेनिंग डिवाइस के फॉर्म में नहीं देखा। आईफोन को देख के बाकी एंड्रॉइड फोन्स ने भी अपने डिजाइंस को चेंज कर दिया। उन्होंने क्वर्टी कीपैड को हटा के टच को लाना सही समझा। ब्लैकबेरी को भी यही करना चाहिए था। उनकी गलती ये भी थी कि बहुत ही बाद में जाके उनको एप्स की इम्पोर्टेंस समझ आई। आज की डेट में ब्लैकबेरी एप्पल की जगह होती अगर उन्होंने आईफोन्स के आने पर जल्दी रिएक्ट किया होता। ये मुश्किल जरूर होता, लेकिन एक काफी हद तक पॉसिबल था। यही है ब्लैकबेरी का राइज और फॉल।